मूवी देखने के बाद मुझे समझ आया कि विक्रांत भाई ने ये क्यों बोला था। I had a massive crush on her for a brief period of time. You know, everyone knows that stunning and you know, वो सब तो पता ही है। तो वो मतलब you know, for me to sort of in some ways, in a very small way, realize my aspiration कि कभी you know इस सुंदर लड़की साथ काम करने मिल जाए। And you got that chance. कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। बहुत दिक्कत है यार, ये शादी का लड्डू ना ऐसा है, जो खाता है वो तो रोता ही है, लेकिन जो नहीं खाता वो तो और रोता ही है, क्यों है ना पोपट भाई? भाई तू बाहर निकल, चल ससुराली के बाहर निकल। खैर चलो, इस बात पर हम बात कर लेते हैं 14 फेरे की, जिसका स्टोरी प्लॉट रिवॉल्व कर रहा है संजय और अदिति के फेरे के अराउंड। दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन कमबख्त इनकी फैमिली जालिम बन के इनकी जिंदगी में आ जाती है। अब क्या होता है इसके आगे, और क्या संजय और अदिति शादी कर पाते हैं या नहीं, वो तो आप Z5 पर देखकर पता कर लेना। और हाँ, पायरेसी करके मत देखना, क्योंकि अपनी कृति जी को है ना ये पसंद नहीं है। पायरेसी रियली फ्रीक्स मी आउट, द फैक्ट दैट Z5 पे व्यूज नहीं आएंगे। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले ना, आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस विक्रांत बाइट, क्योंकि इसके आगे जो कुछ भी मैं बोलूंगा ना, इट विल मेक सेंस। ये स्क्रिप्ट मेरे पास जब आई तो आई रेड इट एंड इट वाज अ वेरी वेरी क्विक टर्न अराउंड। आई थिंक within 3 days I had made up my mind. I knew I wanted to invest my time and effort in this film. I had, you know, very seldom do you come across a script as such which ticks off all the boxes. You know, it is an out and out family entertainer. Also at the same time, subliminally it has a lot to say. It also presented an opportunity, and while I read it, I recognized that this script has the potential to be a good film. Trust me, movie का जो story plot है ना वो काफी ज़्यादा twisted है, but I also know कि इसका जो ending है वो आप बहुत आराम से predict कर सकते हैं, क्योंकि usually Bollywood में ऐसा ही होता है। But यहाँ जो concept है ना, उसमें हम देखते हैं कि हर 15 से 20 मिनट में जो characters हैं उनके arc में कुछ ना कुछ shift हो रहा होता है। 1 घंटे 50 मिनट में हमें हर एक character का good और bad version देखने को मिल जाता है, which is pretty interesting and engaging. But एक चीज ने ना मुझे यहाँ पे थोड़ा सा disappoint किया कि characters like जमील खान और गौहर खान को उतना explore नहीं किया गया जितना कि हम story plot के around उनको explore कर सकते थे। ये वो supporting cast थे जिनके screen पर आने पर ना कुछ engaging सा हो ही जाता था। They were so good in this movie. लगे हाथ अगर मैं performance की भी बात करूँ तो विक्रांत मैसी was sweet as a little boy, जो बहुत ही ज्यादा open और connecting था, and as he has said, he wanted to invest his time in this project, और trust me, उन्होंने अपना वादा निभाया है। Talking about another lead, Kriti. Before I received the script, I auditioned for Aditi. Devanshu was very clear that there was something that he was looking for in terms of. He said, "This is not an easy character to play. You either need to be it or you need to feel it." And I don't want a girl to come on screen and pretend to be Aditi. She was way too much into her character. और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि she literally living her character. She gave what's required and what director needed. Even audience too. Underrated performer की बात करूँ ना तो वो कसम से जमील खान होने वाले हैं. But honestly saying, this man was superb. Even अगर मैं पूरे story plot की भी बात करूँ तो आपको है ना, जैसे जैसे story grow हो रही होगी तो आपको बहुत सारे shades देखने को मिलेंगे और साथ ही आपको एक lesson भी सीखने को मिलेगा. Direction की भी बात करूँ तो it's so smooth and soothing to the eyes. And by noticing all that, I'm going to say 14 फेरे is ठीक ठाक है, देख ले यार। हाँ मुझे पता है तुम कमेंट सेक्शन में पूछोगे कि ये इंटरव्यू का है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और हाँ, तुम अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हें 14 फेरे कैसी लगी। एंड एज ऑलवेज, एज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।